नमस्कार। बर्ड चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में आज जो हम चार्ट लेने वाले हैं वो ममता बनर्जी का चार्ट है। इनके चार्ट के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था, काफ़ी एनालिसिस कर रहा था ये समझने के लिए इनका जो सही चार्ट है वो क्या है। तो सच मैंने बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल है उनको देखा, उनमें समझने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग लगा नहीं और मुझे लगा नहीं कि वो जो चार्ट ऑनलाइन दिया हुआ है वो सही है। उसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये मकर लग्न की कुंडली है और यहाँ पे हो क्या रहा है कि चंद्रमा यहाँ पे फिफ्थ हाउस में बैठा है और वीनस यहाँ 11th हाउस में, और इसका एक डायरेक्ट म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है। ये चार्ट मुझे इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्टेबल मैरिड लाइफ होना चाहिए और मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली होनी चाहिए थी। हालाँकि जुपिटर यहाँ पर रेट्रोग्रेड है, यहाँ 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो एक खराब फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि सन यहाँ पे 12th हाउस में, जो कि दिखाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होता है, इंसान काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा टाइप होता है, जो भी होता है हाँ बोल बाल के कर लेता है, और उसके बाद इंसान किसी चीज़ को अचीव करने के लिए उसमें अपना ईगो नहीं डालता है। ईगो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और मतलब इंसान मतलब बहुत क्या कहे कि इंसान बहुत अच्छे लाइफ जीने वाला होता है जहाँ पे उतना ज़्यादा मार पिटाई ना हो, तो उस टाइप का है, तो ईजी गोइंग टाइप है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ ममता बनर्जी की कुंडली के हिसाब से, उनके पर्सनालिटी के हिसाब से। तो मुझे लगा कि कुछ और चार्ट होगा, फिर मुझे ये एक मिला जहाँ पे मेष लग्न है, और मेष लग्न में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मार्स इज़ इन द 11th हाउस। अब मार्स 11th हाउस में होने का होता क्या है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बना देता है। तो पॉलिटिकल विल के लिए क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, और होता क्या है कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो भी उसको मान करके बैठ करके हाँ कि हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अपने हिसाब से देख लेना है और मेरा एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए जिसमें कि मैं छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस कर सकता, इस तरह का नेचर होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है कि इंसान का एक सोशल सर्कल होता है, जैसे कि हम आम लोग होते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के फ्रेंड्स होते हैं, वर्क प्लेस के फ्रेंड्स होते हैं, अपना एक सोशल लाइफ होता है। तो ये इस तरह से दिखा रहा था, ना कि ये दिखा रहा था कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसी पर्सन का चार्ट होगा। दूसरा ये कि 4th हाउस में जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड है और मून यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई उस कैलिबर का हो जैसे कि ममता बनर्जी हो। पॉलिटिक्स में आपको पता है कि आपको बहुत सारी नेगेटिविटी साथ में लेकर के चलनी पड़ती है, आपको हार्श भी होना पड़ता है, आपको किसी को अफ्रंट, किसी को सामने जाकर के आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है, आपको कुछ हद तक बेशरम भी होना पड़ता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई अपोजिशन आपको क्या बोले, आपको उसमें टिके रहना है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर का एक चार्ट में दिखता है। और ये जो चार्ट है वो ऐसा दिख रहा था कि कोई सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है और जो कि अपने हिसाब से लाइफ को चला रहा है, तो वो वहाँ पे मुझे कन्विंसिंग लगा नहीं। अब यहाँ पे जब मैंने इनके चार्ट को देखा तो मुझे कुछ चीज़ें लगी कि ये चीज़ें तो भाई होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला ये कि नो मैरिज का जो योग है 1/6/10, नो चाइल्ड बर्थ का योग है 1/4/10, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल जो कि आता है 1/4/6/10 से, जो ये दिखा था कि भाई मुझे सामने वाले से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए मैं बाकी सबको, अपनी पर्सनल लाइफ को और वो सबको इग्नोर कर सकती हूँ। तो ये चीज़ अगर होता है तो फिर ये कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने जब इनका टाइम फेज देखा कि किस समय इनको अच्छी टाइम चल रही थी, किस समय इनका बहुत अच्छा फेज़ था, किस समय नहीं था, तो वो फिर मैंने रिलेट करने की कोशिश की इनके दशा से, और वो सब करने के बाद जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चार्ट को अगर आप देखोगे, ये मैंने जो टाइम लिया है वो है 11:24 का, जो कि बाकी जगह पे अगर देखो तो 12 का दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अधिकतर जो ग्रह है वहाँ पे 1/4/10 आपको दिखेगा, और साथ में ये भी है कि आपको 6/10 फिर कुछ जगह पे 8/11 दिखेगा। 8/11 ये दिखाता है कि आपको किसी कारण से अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो रहा है, तो वो चीज़ है। तो इस एस्पेक्ट में देखा जाए तो फिर ये चार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लगा। आप जैसे मंगल की बात बोल रहे हो कि मंगल यहाँ पे 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ये क्या करता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड बना देता है।
कुछ एस्पेक्ट्स में बोला जाए तो इंसान को ज़िद्दी भी बना देता है कि मुझे अपने सिद्ध के हिसाब से चीज़ें अचीव करनी ही करनी है। राहु यह 10th हाउस में है तो बहुत ही ज़्यादा हाईली एम्बिशियस इंसान को बना देता है। सूर्य के साथ यहाँ बैठा हो तो इंसान का जो कद है वो सोसाइटी में बहुत ऊपर होता है। तो हाईली एम्बिशियस, अगर कोई मुझे किसी चीज़ को लेकर के आरोप भी लगा रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी पॉपुलैरिटी सबसे पहले देखनी है और उसके बेसिस पे फिर मुझे काम करना है। तो वो चीज़ है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर आप बाकी एस्पेक्ट्स भी देखो तो चंद्रमा यहाँ पे तीसरे घर में है, जो कि ये दिखाता है कि इंसान कोई एक चीज़ को लेकर के नहीं बैठता। कोई इशू चल रहा है, किसी चीज़ में आपका नाम आ रहा है, ठीक है, जस्ट मूव ऑन, और कुछ और है जो लाइफ में अचीव करो, तो ऐसे करके वो रहता है। बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स में देखें तो यहाँ पे जुपिटर 5th हाउस में एक तरह से जो इसका नेचुरल एस्पेक्ट है वो ये है कि इंसान को थोड़ा कंपैशनेट बना देता है जब जुपिटर 5th हाउस में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लग्नेश 5th हाउस में बैठा है और लग्न को वापस से बल दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये भले ही इंसान को कंपैशनेट बनाता है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि उसका जो एंड गोल होता है टू अपलिफ्ट देमसेल्फ, ना कि किसी और को। तो ये चीज़ है। तो अब अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि ऐसे इन्होंने बहुत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई, बहुत चीज़ों के लिए बोला कि नहीं इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट उसका जो एंड गोल है दैट इज़ टू गेन पॉपुलैरिटी, दैट इज़ टू गेन स्टेचर इन सोसाइटी। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे देखें कि लग्नेश दशमेश दोनों ही यहाँ पे उच्च का होकर के यहाँ पंचम भाव में बैठा, तो ये तो साफ है कि ये बहुत ही हाई पॉलिटिकल विल इंसान का दिखाता है। तो उस हिसाब से जो इनकी कुंडली बन करके आई वो यहाँ मीन लग्न की बन के आई, और ये मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ क्योंकि ये बहुत सारे इनके जो पिछले टाइमलाइन है उससे भी मैच कर रहा था। एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2000 का जो साल है 99-2000, तो यहाँ पे ये सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर बनी थी NDA के साथ अलाइंस करके। तो वहाँ पे ये फेज़ इनके लिए काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारी ट्रेन्स इन्होंने वेस्ट बंगाल को दी थी तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी। ये फेज़ यहाँ तक भी अच्छा था, सन मून तक। मार्स वाला फेज़ जैसे ही आता है थोड़ा अपोजिशन इनके लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि NDA की सरकार गिर जाती है, तो अब नो मोर अलायंस, वो चीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे वो हार जाते हैं, वो भी एक सेटबैक होता है। 2005 वाला जो फेज़ था वो भी थोड़ा ख़राब होता है, और 2006 में ये इलेक्शंस वापस से हार जाती है, जो स्टेट इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल का 2006 का। तो ये फेज़ अगर आप कलेक्टिवली देखें तो ये बहुत ही अच्छा फेज़ नहीं था। मार्स का मेन रीज़न है कि यहाँ पे 12th हाउस का है, तो ये 12th हाउस का तो इम्पैक्ट देगा ही देगा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था। और राहु में क्या है कि 6, 8 और 12 ये साथ में है, तो ये इशूज़ देता ही है, ये प्रॉब्लम देता है, तो यहाँ पर इनके लिए ये इशू था। तो इस हिसाब से दिख रहा था कि ये फेज़ इनके लिए अच्छा था नहीं। और यहाँ पे फिर आगे जाए तो 2007 के बाद से फिर इनको शनि शुरू हुआ। शनि में जो सिंगुर का इशू था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन गेन करता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है, और ममता बनर्जी उसको यूज़ करती है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वहाँ पे वो किसानों की हेल्प भी करती है, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में भी अपना जजमेंट देते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि वो इवेंट होता है वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर ऐसे कहिए कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे सैटर्न मर्करी जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही फिर ये चीफ मिनिस्टर बन जाती है। तो जितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने सारे अच्छे इवेंट्स है, वो फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं इनके। यहाँ से लेकर के जो 10 साल वाला फेज़ है वो मोर लेस अच्छा ही रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें जैसे ये 2020 वाला फेज़ होता है तो वहाँ पे ममता बनर्जी को फिर थोड़े बैक स्लैशेस मिलने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो जाता है, और कुछ चीज़ों को लेकर के फिर लोग इनको पसंद नहीं भी करते हैं, बहुत सारे मीम्स बनने लग जाते हैं, बहुत सारे कार्टून्स बनते हैं जिनको फिर जिनके अगेंस्ट रिएक्शन लेती है। तो मार्स ऐसे सेट कि यहाँ पे 12th हाउस में बैठा है, और यहाँ पे बैठ करके मार्स का जो फेज़ है ये इनके लिए पॉजिटिव था नहीं। उसके बाद ये जैसे तैसे करके इलेक्शन जीत जाती है। उसका रीज़न ये है कि ये जिस सीट से कंटेस्ट कर रही थी उस सीट से ये हार गई थी,
तो शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट ये लड़ रही थी और वहाँ से ये फिर हार जाती है। और उसके बाद फिर बाइपोल्स होता है। बाइपोल्स में कैसे भी करके मतलब ऑब्वियसली अपने फेवरेबल सीट से लड़के, लेकिन वहाँ से फिर जीत जाती है। अब यहाँ पे इनका ये है कि मार्स इनका स्ट्रांग नहीं है, राहु भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। राहु भी ऐसा है कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक चल जाएगा। और जुपिटर काइंड ऑफ मीडियोकर है, मतलब कि उसको कुछ पड़ा हुआ नहीं है, वो कोई बहुत अच्छा फल इनको नहीं दे सकता जब तक कि बाकी सारे प्लैनेट्स इनके पॉजिटिव नहीं हों। तो आगे का इनके लिए क्या दिखता है यहाँ पे, ये दो फेस तो इनके लिए ख़राब फेस था। अब यहाँ पे क्या है कि 2024 का अप्रैल जैसे ये आता है, तो ये जुपिटर वाला फेस है। अच्छा, जुपिटर वाला फेस ये दिखा रहा है कि ये बहुत हद तक शांत ही रहने वाली है, ये कोई एक मेजर डिसीजन नहीं लेने वाली और बहुत ही न्यूट्रल अपना एक स्टैंड लेने वाली है। न्यूट्रल इन द सेंस कि अभी तक क्या हो रहा था कि ये एक साइड को ही बहुत ज़्यादा अपीस कर रही थी, अब ऐसा होगा कि ये हर साइड को अपीस करना शुरू कर देगी। जो है सब सही है, कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि उनका अपीजमेंट किसी एक तरफ जा रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे सिचुएशन होने वाला है। और इसके बाद देखें तो जो लास्ट फेज आएगा यहाँ पे, जुपिटर सैटर्न जुपिटर और राहु, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला होने वाला है, क्योंकि उसके पहले सैटर्न जुपिटर मार्स, मार्स जैसे मैंने बोला कि अच्छा नहीं है और राहु भी इनका अच्छा नहीं है। तो ये एक फेज़ है जहाँ पे दिख रहा है कि मेजर इनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो सकता है 2026 के जो इलेक्शंस होंगे वेस्ट बंगाल के, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। सरप्राइजिंगली इसके बाद जो इनका फेज शुरू होता है वो बुध का, और बुध एज सच जो प्लैनेट होता है वो पावरफुल नहीं होता है। वो ऐसा ग्रह नहीं है जो इंसान को पॉलिटिकल पावर दे सके या फिर ऐसा सिचुएशन में डाल सके कि इंसान के पास इतने सारे लोग हो जो उनके लिए एक्शंस ले पाए, जो उनके लिए कुछ काम कर पाए। तो वहाँ पे उस तरह का फेस दिखाई देता है। सो इन अ वे आप ऐसा समझिए कि जैसे अमिताभ बच्चन का फेस था, तो 72 से लेकर के 90 तक का फेस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन 90 से बाद वाला जो फेस देखे तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी थी। कुछ टाइम बाद उनके जो मूवीज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हो रहे थे। तो इवन तो अमिताभ बच्चन है, लेकिन उसके बाद भी एक लोएस्ट फेज उनके लाइफ में उस वक्त आया। तो यहाँ पे भी ममता बनर्जी के लिए ये दिखाई दे रहा है कि 2026 ऑनवर्ड्स जो फेज़ इनका शुरू हो रहा है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। शी माइट बी लूजिंग मोस्ट ऑवर पॉलिटिकल पावर। तो जहाँ पे इनके साथ जो लोग इनके साथ खड़े होते हैं वो शायद छूट जाए, वो लोग कम हो जाए। उसके साथ ये है कि जो इनके पास अभी जो पावर है वो उसका आधा या उससे भी कम हो जाए। तो ये एक हाई पॉसिबिलिटी है 2026 में। बट क्योंकि इनके अधिकतर ग्रह चार्ट में जो बैठे हुए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इनका जो ओवरऑल स्टेचर है वो हमेशा बना रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, इवन दो वो बैंकरप्ट हुए थे लेकिन अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन ही है, वो वापस से उसको रीगेन कर सकते हैं। सेम थिंग गोज़ फॉर ममता बनर्जी। तो इवन दो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि शी विल लूज़ हर पॉलिटिकल पावर और बहुत हद तक उनको उनके सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इनका पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल विल इतना ज़्यादा है और जो एम्बिशियस नेचर है वो इतना ज़्यादा है, इसीलिए आप कम ही देखोगे कि ये पॉलिटिक्स से दूर रहेगी। इवन दो ये ऑपोजिशन में हो सकती है, या फिर अगर मान लीजिए कि इनकी सरकार भी बनती है तो ऐसे ही बनेगी जिसके पास पावर कम होगा, शायद कोलिशन के साथ या फिर कुछ और, लेकिन पावर कम रहने वाला है इसके साथ इनके पास, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो भी है कि इसके बाद भी जो भी इनकी सिचुएशन हो उसके बाद भी ऐसा दिख रहा है कि शी विल गेन प्रोमिनेंस आफ्टर सम टाइम। तो वो है, लेकिन ये चीज़ है कि 2026 वाला जो साल होगा तो वो एक ऐसा साल होगा जहाँ पे आप इनका पावर कम होते हुए देखोगे, लूज़ होते हुए देखोगे, और इनका जो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम होते हुए देखोगे। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस, और मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर ये समझने के लिए कि इनका सही चार्ट क्या था, और इसको एक एक पॉइंट को रिलेट करने के बाद फिर आपके पास में ये पूरा एनालिसिस लेकर के आया हूँ। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आगे आप क्या देखना चाहते हो, तो उसी हिसाब से फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय।